कहते हैं कि दुश्मनी पालो तो वो भी अपनी औकात की, लेकिन टर्की ये शायद भूल चुका है, क्योंकि आज पूरी दुनिया में टर्की अकेला देश है जिसने अमेरिका से लेकर चाइना तक और रशिया से लेकर भारत तक हर एक देश से पंगे लेना शुरू कर दिया है, और इसी के साथ वो मुस्लिम देशों का मसीहा बनने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ टर्की ने अमेरिका, फ्रांस सहित पूरे नाटो देशों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल टर्की ने दो दिन पहले ही रशिया से खरीदे हुए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है, जिसके बाद सभी नाटो देश अलर्ट मोड पर आ गए हैं, क्योंकि नाटो देशों के फाइटर जेट्स और हथियार डाटा लिंक लेयर की मदद से एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसे में टर्की, जो खुद भी नाटो देश है, उसका अमेरिका और नाटो के सबसे बड़े दुश्मन रशिया से हथियार खरीदकर उसको एक्टिवेट करना सभी नाटो देशों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। और फिर टर्की ने तो यहाँ पे मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया है, जिसपे हाईटेक रडार लगे होते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया के देश दो खेमों में बटे हैं, एक जो अमेरिका के समर्थन में है और दूसरे जो रशिया का समर्थन करते हैं, और इनमें अमेरिका और रशिया दो बड़े सुपर पावर देश हैं। अब ऐसे में ये तो समझ आ रहा है कि टर्की पूरी दुनिया में मुस्लिम देशों को इकट्ठा करकर तीसरा खेमा तैयार करना चाहता है, जिसकी अगुवाई टर्की खुद करेगा, और वो चाहता है कि ये खेमा अमेरिका और रशिया के टक्कर का हो। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जो इस चक्कर में वो अमेरिका और रशिया से पंगे ले रहा है, फिर भी ये दोनों देश टर्की के आगे क्यों चुप हैं? सबसे पहले अमेरिका की बात करें तो वो काफी समय से टर्की को धमकी देते आया कि वो रशिया से S-400 खरीदने पर टर्की पर कड़े प्रतिबंध लगा देगा, लेकिन टर्की ने रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील भी कर दी, उसकी डिलीवरी भी हो गई। उसके बाद टर्की ने अमेरिकी F-16 पर उसकी टेस्टिंग भी कर दी, और दोबारा नए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की दूसरी डील करके अब टर्की ने पहले खरीदे हुए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट भी कर दिया है। लेकिन फिर भी अमेरिका ने आज तक F-35 प्रोग्राम से निकालने और धमकी देने के अलावा टर्की पर कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं की, और ना ही कड़े प्रतिबंध भी लगाए, और ना ही उसको नाटो से बाहर किया। मगर ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों, जबकि वो ईरान पर तो दो मिनट के अंदर ही प्रतिबंध ठोक देता है। अमेरिका की दिक्कत यह है कि टर्की 1952 से नाटो का सदस्य देश रहा है, और इतने समय में अब टर्की को नाटो की एक एक कमजोरी और उसकी खूबियों के साथ साथ उसके काम करने का तरीका पता चल चुका है। इसी के साथ टर्की ने नाटो का सदस्य और अमेरिकी खेमों में रहते हुए कई हाईटेक हथियारों की टेक्नोलॉजी हासिल कर दी है। पिछले 70 सालों में टर्की अब नाटो देशों की इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क का अहम हिस्सा बन चुका है, और 30 नाटो सदस्य देशों में से अल्बेनिया के अलावा टर्की अकेला मुस्लिम देश है। एक तरीके से कहा जाए तो टर्की को नाटो की पूरी जन्म कुंडली पता है। ऐसे में अमेरिका फंस चुका कि अगर वो टर्की पर सख्त कार्रवाई करेगा तो वो पूरी तरह रशिया के खेमे में चले जाएगा, जिसमें रशिया, चाइना, ईरान जैसे देश शामिल हैं, और वो खेमा और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इस समय अमेरिका बड़े फूंक फूंक के कदम रख रहा है, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट में टर्की पूरी तरह ईरान के साथ मिल गया तो पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट और अरब देशों की सुरक्षा के साथ साथ क्रूड ऑयल मार्केट पूरी तरह खत्म हो सकती है। अर्मेनिया और अजरबैजान युद्ध में वहां भी टर्की अजरबैजान के समर्थन में सीरिया से जिहादी लड़ाके भेज रहा है, लेकिन रशिया फिर भी काफी हद तक अर्मेनिया अजरबैजान युद्ध में टर्की की दखलअंदाजी सहन कर रहा है। इसके पीछे का भी बड़ा कारण यही है कि रशिया भी चाहता है कि टर्की पूरी तरह अमेरिकी खेमे से निकलकर रशिया की तरफ आ जाए, जिसके रशिया को कई फायदे होंगे, फिर वो चाहे हथियारों की बिक्री हो या फिर नाटो का टूटना या कमजोर होना, और अमेरिका के खिलाफ बन रहे फ्रंट में एक नए देश की एंट्री होना, वो भी टर्की के रूप में, जो पिछले करीब 70 सालों से नाटो सदस्य देश रहा है। इसीलिए रशिया भी अभी टर्की के खिलाफ कुछ नहीं कर रहा और अभी चुप बैठा है। फिलहाल अमेरिका और रशिया बस S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने और अजरबैजान के समर्थन में सीरिया लड़ाके भेजने के लिए टर्की को धमकी दे रहे हैं। लेकिन टर्की को समझना चाहिए कि वो एक ही समय में अमेरिका और रशिया दोनों से पंगा लेकर अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि टर्की की अर्थव्यवस्था इस समय बुरे दौर से गुजर रही है और टर्की की करेंसी लीरा इतिहास में सबसे बुरे दौर में है। ऐसे में अगर अमेरिका ने प्रतिबंध ठोक दिए या रशिया ने अर्मेनिया के समर्थन में टर्की पर चढ़ाई कर दी तो उसको कोई भी बचाने नहीं आएगा। फिर उस समय टर्की की हालत धोबी के उस कुत्ते की तरह हो जाएगी, जो ना घर का ना घाट का। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।